वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग के पावर वायरिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स से MCQs बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पावर वायरिंग को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक जैसे हीटर, कूलर, फ्रिज, इन सब के लिए पावर वायरिंग करना, और दूसरा मोटर, ट्रांसफार्मर, इन सब के लिए पावर वायरिंग करना। हीटर, कूलर, फ्रिज, इन सब के पावर वायरिंग में वही रूल्स और मेथड्स उपयोग में लाए जाते हैं जिनका उपयोग घरेलू पावर वायरिंग, मतलब डोमेस्टिक पावर वायरिंग में किया जाता है। इनके पावर लोड के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट जनरली 15 एम्पियर के प्लग सॉकेट द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगर हम बात करें मोटर के पावर वायरिंग की, तो इसी से संबंधित नियमों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो पहला रूल है, इन पावर वायर इंस्टॉलेशन मेटल कंड्यूट पाइप रिजिड एंड फ्लेक्सिबल शुड बी यूज्ड टू कैरी द कंडक्टर। देखिए, विद्युत मोटरें जनरली पंपिंग सेट, मिल्स, वर्कशॉप्स आदि में उपयोग लाई जाती हैं जिनमें वायरिंग के लिए जनरली हैवी गेज मेटल कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। ये मेटल कंड्यूट रिजिड या फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। इन्हीं कंड्यूट्स के अंदर से हम कंडक्टर्स को ले आते और ले जाते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वायरिंग में जनरली सरफेस कंड्यूट वायरिंग उपयोग में लाई जाती है। ओके, सेकंड रूल है, स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्टार्टर्स मस्ट बी मेटल केसिंग। स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्टार्टर, ये सब धातु आवरण युक्त होने चाहिए और इन सबको आयरन क्लेड बोर्ड पर ही लगाना चाहिए। देखिए, प्रत्येक मोटर्स के लिए अलग अलग सर्किट जाती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, एटलीस्ट टू अर्थिंग्स शुड बी यूज्ड फॉर द मोटर्स। मोटर के इंस्टॉलेशन के लिए कम से कम दो अर्थिंग का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ़ स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक्सेट्रा आर इंस्टॉल्ड ऑन स्टैंड, देयर शुड बी एन ओपन स्पेस ऑफ एटलीस्ट 0.70 मीटर्स बिहाइंड द स्विच बोर्ड्स। यदि स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आदि स्टैंड पर स्थापित किए गए हैं, तो स्विच बोर्ड आदि के पीछे कम से कम 0.7 मीटर की खुली जगह होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मोटर की स्थिति भी दीवार से कम 0.70 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, द मोटर मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंस्ट्रक्टेड फाउंडेशन। द हाइट ऑफ द कंस्ट्रक्टेड फाउंडेशन इज केप्ट फ्रॉम 20-50 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर। मोटर को नींव पर ही स्थापित करना चाहिए और इस नींव की फर्श से ऊंचाई 20-50 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, द हाइट ऑफ द मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच एंड स्टार्टर इज केप्ट 1.5 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच व स्टार्टर की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर तक रखी जाती है। हम इन सबको या तो दीवार पर भी स्थापित कर सकते हैं या फिर स्टैंड पर भी स्थापित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ़ द वायरिंग इज टेकन फ्रॉम एन अंडरग्राउंड ट्रंच, द डेप्थ ऑफ द ट्रंच इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर। यदि वायरिंग भूमिगत ट्रंच से लाई जाती है तो ट्रंच की गहराई 20 सेंटीमीटर रखा जाता है। ट्रंच मीन्स गड्ढा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, द मेन स्विच टू मोटर स्विच रिजिड कंड्यूट। देखिए, मेन स्विच से मोटर स्विच तक हम लोग मोटर के वायरिंग में रिजिड कंड्यूट का यूज़ करते हैं, दृढ़ कंड्यूट का यूज़ करते हैं। मोटर स्विच टू स्टार्टर फ्लेक्सिबल कंड्यूट 0.5 मीटर। मोटर स्विच से स्टार्टर तक फ्लेक्सिबल कंड्यूट का प्रयोग करते हैं और मोटर स्विच से स्टार्टर के बीच का जो गैप होता है वो आधे मीटर का गैप होता है और ये आधे मीटर हम लोग फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, स्टार्टर टू मोटर टर्मिनल रिजिड 1.5 मीटर एंड फ्लेक्सिबल 1.2 मीटर। देखिए, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक हम लोग रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों टाइप के कंड्यूट यूज़ करते हैं। स्टार्टर से फर्श तक रिजिड कंड्यूट के द्वारा लाया जाता है वायर्स को, जिसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है, क्योंकि हमने जो स्विच बोर्ड, मोटर स्विच और स्टार्टर ये सब जो लगाया है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया है फर्श से, ठीक है। उसके बाद
फर्श से मोटर के टर्मिनल तक फ्लेक्सिबल कंड्यूट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम फर्श के अंदर से लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई से ले जाते हैं। इसकी लेंथ 1.2 मीटर होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द कैलकुलेशन करंट फॉर मोटर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, इसलिए मोटर इनपुट पावर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ईटा। क्यू क्या है? आउटपुट पावर, और ईटा क्या है? एफिशिएंसी। अगर हम इनपुट करंट की बात करें, सबसे पहले हम डीसी मोटर के इनपुट करंट के लिए बात करेंगे, तो करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ईटा इनटू वी। क्यू क्या है? आउटपुट पावर। ईटा क्या है? एफिशिएंसी। वी क्या है? वोल्टेज। सिंगल फेज मोटर के लिए इनपुट करंट की बात करें तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ईटा इनटू वी इनटू कॉस फाई। थ्री फेज की बात करें, थ्री फेज मोटर के लिए इनपुट करंट, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन ईटा रूट थ्री वी इंटू कॉस फाई। ये तो मोटर्स की इनपुट करंट के लिए फार्मूला हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स स्टार्टिंग के समय अपनी फुल लोड करंट का 5 से 8 गुना तक धारा ज़्यादा लेती हैं, और यह स्टार्टिंग समय बहुत कम होता है। स्टार्टिंग का यह समय इतना कम होता है कि केबल की माप ज्ञात करते समय यह मान सामान्यतः 1.5 गुना ले लिया जाता है। इसलिए हमें इनपुट करंट निकालने के बाद मोटर की स्टार्टिंग या इफेक्टिव करंट, जिसे हम कहते हैं, निकालनी पड़ती है, जो होती है I डैश इक्वल टू 1.5 इंटू I। मतलब जो इनपुट करंट होता है उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा इफेक्टिव करंट आ जाता है। यदि हम मोटर के स्टार्टर व स्विच की बात करें तो 0.25 हॉर्स पावर सिंगल फेज तक या 20 एम्पियर सिंगल फेज तक DPIC मेन स्विच का प्रयोग करते हैं। 5 हॉर्स पावर थ्री फेज तक या 25 एम्पियर थ्री फेज तक TPIC मेन स्विच का प्रयोग करते हैं, और 5 हॉर्स पावर थ्री फेज से अधिक के लिए TPIC मेन स्विच या TPNIC मेन स्विच का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा कि 5 हॉर्स पावर तक हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर DOL स्टार्टर, जिसे हम पुश बटन स्टार्टर के नाम से भी जानते हैं, प्रयोग करते हैं। 5 हॉर्स पावर से 20 हॉर्स पावर तक स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, और 20 हॉर्स पावर से ज़्यादा हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ये तीनों स्टार्टर DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। और अगर हम बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अब हम मोटर की एफिशिएंसी और पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1 हॉर्स पावर से कम की मोटर्स के लिए जो एफिशिएंसी होगी वो 0.5 से 0.65 तक होगी, और अगर पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर 0.6 होगा। 1 हॉर्स पावर व 2.5 हॉर्स पावर के बीच जो एफिशिएंसी होगी वो 0.7 से 0.75 तक होगी, और पावर फैक्टर 0.7 होगा। 2.5 हॉर्स पावर व 5 हॉर्स पावर के बीच एफिशिएंसी 0.75 से 0.8 तक, और पावर फैक्टर 0.75 से 0.8 तक होगा। 5 हॉर्स पावर व 20 हॉर्स पावर के बीच जो एफिशिएंसी होगी वो 0.8 से 0.85 तक होगा, और पावर फैक्टर 0.8 होगा। 20 हॉर्स पावर से अधिक के लिए जो एफिशिएंसी होगी वो 0.85 से 0.9 तक, और पावर फैक्टर 0.8 तक होगा। आमतौर पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लोड के साथ बदलता रहता है। स्टेटर और रोटर के लीकेज एंड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के कारण फुल लोड पर पावर फैक्टर लगभग 0.85 या 0.9 होता है, और नो लोड पर लगभग 0.2 होता है। ओके, थैंक यू।